हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज के वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल से पता चला होगा, Vivo V11 Pro से कैसे आप सुपर पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। देखिए Vivo V11 Pro जैसे कि ऑलरेडी इसका जो प्रेडेसेसर Vivo V9 था बहुत ही फेमस हुआ पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए, एंड मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं इसके रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ब्राउज करके देख सकते हैं। ऐसे ही मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ इस चैनल पर, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो आज के वीडियो में Vivo V11 Pro, जी हाँ, अभी ये अपडेटेड मॉडल है Vivo V11 Pro, एंड इसमें इतने ऑसम इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ इसके रिलेटेड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पोर्ट्रेट शॉट्स। तो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बहुत सारे अच्छे फीचर्स, एक्सक्लूसिव फीचर्स Vivo V11 Pro में आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स चेंज करना है एक प्रोफेशनल की तरह अगर आपको पिक्चर्स कैप्चर करना है तो। तो ये है Vivo V11 Pro, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है बिकॉज ऑफ दी सुपर एमोलेड स्क्रीन। एंड यहाँ से अगर आप कैमरा आइकॉन पर टैप करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड द कैमरा यूज़र इंटरफेस। अभी ये वाला डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज़र इंटरफेस है, अभी हम टेक फोटो मोड पर है, एंड इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे आप अलग अलग एंगल पर अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको गौर करना है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स की मदद से आप बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को। सबसे फास्ट स्टेप आपको जब भी मोबाइल से कैप्चर करेंगे कोई भी पिक्चर्स हो वो, तो ग्रिड लाइन्स एनेबल करना आवश्यक है, एंड वो आप सेटिंग्स से एनेबल कर सकते हैं। तो Vivo V11 Pro में फ्रेमिंग लाइन्स करके इन्होंने नाम दिया है, तो उससे क्या होगा एनेबल, ग्रिड लाइन्स एनेबल होगा। तो ग्रिड लाइन्स एनेबल करने के बाद देखिए रूल ऑफ थर्ड जो कहते हैं हम, यानी कि कोई ना कोई फ्रेम में आपको एक बिल्कुल सब्जेक्ट फिट करना है। जैसे कि अभी ये बारबी डॉल है ब्यूटीफुल, तो अभी हम इसको कैसे फ्रेम में लाएंगे, देखिए डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल। अभी सामने का अगर पोस्टर आप लेना चाहते हैं किसी भी अपने फ्रेंड्स का, तो सबसे पहले कोई भी एक रेफरेंस लेके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू द लेवल रखना है आपको यूजिंग द ग्रिड लाइंस, एंड उसके बाद आप फ्रेमिंग देखिए कि कैसे कौन सा एंगल पर अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से फैट होना है, फैट दिखेगा, थोड़ा चौड़ा दिखेगा, ऐसे वैसे दिखेगा, तो ऑड एंगल्स पर अगर रखेंगे एंड बहुत अगर आप क्लोज लेंगे तो इनटू द फेस लगेगा, तो थोड़ा दूर रखकर आप बाद में क्रॉप कर सकते हैं, दैट विल गिव यू रियली नाइस इमेज। तो ये वाला एक ट्रिक का आप याद रखना, एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा गैप देना है ऑलवेज वाइल टेकिंग पोर्ट्रेट इमेजेस, अदरवाइज वेरी फैटी इमेजेस आपको आएगा, जो हाथ है वो बहुत ही फैट दिखेगा, तो वो वाला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड इवन आप टॉप पर भी थोड़ा लाइन छोड़ना है यहाँ पर। तो उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया तो एंगल्स अच्छी तरह से पकड़ के ऐसे टैप टू फोकस यूज़ करना है ऑलवेज, ये नहीं भूलना है, मोबाइल को डिसाइड करने के लिए नहीं देना है फोकस कहाँ पर होना है। अगर हमें चाहिए फोकस शार्प तो टैप टू फोकस ऑन हर आइस, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्रेट हम निकाल रहे हैं तो आइस शुड बी वेरी वेरी शार्प। तो उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स क्लिक अ पिक्चर। तो ये वाला देखिए बिल्कुल शार्प इमेज आपको डेफिनेटली रहेगा, ऐसे पिक्चर्स को कैप्चर करना है आपको। एंड ये वाला तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मोड में बेसिक मैंने बताया स्टेप्स की, ग्रिड लाइन्स एनेबल करना है एंड फ्रेमिंग अच्छा होना चाहिए। अभी Vivo V11 Pro में यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट बोके करके है, इसके ऊपर टैप करेंगे अगर येलो होता है तो एनेबल्ड है। एंड यहाँ से देखिए सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड द्वारा आपको स्लाइडर चेंज करने के लिए मिलेगा, विच इज़ एपर्चर, यानी कि कहाँ पर शार्पनेस चाहिए। तो अक्रॉस दी बोर्ड अगर शार्पनेस चाहिए तो ज़्यादा नंबर देना है, अगर आप बिल्कुल ब्लर करना चाहते हैं बैकग्राउंड तो कम नंबर। तो अभी हम F2.0 पर रखेंगे एंड F2.8 या फिर F2.0 पर रखेंगे, थोड़ा एंगल्स चेंज करेंगे एंड यहाँ पर टैप टू फोकस यूज़ करेंगे ऑन अ राइज, एंड उसके बाद अगर कैप्चर करेंगे तो आपको वेरी वेरी शार्प इमेजेस मिलेगा, एंड उसके साथ आपको बैकग्राउंड भी बिल्कुल ब्लर होके आएगा। तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि फोकस मिस हो जाता है अभी तो बैकग्राउंड ब्लर भी ठीक से नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर पोर्ट्रेट बोके करके लिखे हैं ना, तो जस्ट टैप करना है तो बाद में भी आप रीफोकस कर सकते हैं जहाँ पर चाहिए वहाँ, एंड यहाँ से स्लाइडर भी मूव करके जितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए उतना बैकग्राउंड ब्लर, अदरवाइज जितना शार्पनेस चाहिए अक्रॉस द बोर्ड तो वो भी आप लाकर डन पर टैप करना है, एंड इमेज सेव हो चुका है। तो ऐसे आपको कैप्चर करना है प्रोफेशनल की तरह। ये तो डिफ़ॉल्ट मूड था, अभी यहाँ पर देखिए ये AI फेस ब्यूटी है,
एंड ये है फेस ब्यूटी, जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इन्होंने ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड रहते हैं प्रीसेट्स, तो उसको यूज़ करके रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फेस है कि क्या है, यहाँ पर आपको दिखा देना चाहिए। तो पोर्ट्रेट मोड अभी एनेबल्ड है ऑटोमेटिकली, एंड फिर से हम टैप टू फोकस यूज़ करेंगे उसके आई पर, एंड एंगल्स, ये लेवल, सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एंड उसके बाद कैप्चर करेंगे तो इंस्टेंटली आपको परफेक्ट इमेज मिलेगा, इसको बाद में एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। तो ऐसे देखकर आपको कैप्चर करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस ब्यूटी है, यहाँ पर फेस ब्यूटी का एक सिंबल है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो ये वाला देखिए, बफिंग स्किन टोन, वाइटनिंग थिन फेस, फेस रीशेपिंग जॉ है, तो बिल्कुल जैसे आपने को चाहिए वैसे आप बिल्कुल चेंज करके मॉडल को चेंज कर सकते हैं। लुक, अगर मान लीजिए इसका चिन थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर चिन पर जाके थोड़ा कम करेंगे तो वो बिल्कुल कम कर देगा, एंड ऐसे नहीं कि इतना दूर से अगर आप कैप्चर करेंगे तो अच्छे पोर्ट्रेट्स मिलेंगे, तो थोड़ा क्लोजअप अगर रहेंगे तो बिल्कुल ये वाले चीज़ जो है वो अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज करके आपको दिखाई देगा कि कौन सा चेंज करना है, क्योंकि इट इज़ यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, तो उसके अनुसार वो थिन फेस, वो वाइटनिंग, वो सारा चीज़ चेंज करके देगा। तो ऐसे आप चेंज करके बिल्कुल अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं ऑन योर वीवो V11 प्रो। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स टैप करेंगे, AI पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, यानी ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, देखिए जो भी करके इन्होंने एक नाम दिया है, एंड वंस हमने पॉइंट आउट किया प्लीज़ मूव योर फोन हॉरिजॉन्टल, तो वैसे वो सजेस्ट करेगा, एंड उसके बाद रिकॉग्नाइज करके या फिर वो क्लिक करके देगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप भी इमेज को क्लिक कर सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छे इमेजेस भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली अभी इमेज कंप्लीट होकर कैप्चर हुआ है, एंड दिस इज़ दी ऑसम इमेज दैट वी आर ट्राइंग टू टेक। तो ऐसे आपको कैप्चर करना है प्रोफेशनल की तरह, अलग अलग एंगल्स रख के, अलग अलग लाइटिंग्स रख के आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, जो भी आपने पिक्चर कैप्चर किया है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूड दिया है वीवो V11 प्रो में एडिट करके है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो पोर्ट्रेट लाइटिंग, अभी ये वेरी इंटरेस्टिंग है, देखिए रेनबो लाइट अगर चाहते हैं तो ये वाला लगा सकते हैं, देर इज़ लूप जो फिर से लाइट को घुमा के आपको लूप में आके डार्क करेगा बैकग्राउंड को, वैसे ही नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट है, स्टीरियो लाइट, ये सब जस्ट ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करके आपको जो अच्छा लगता है वो वाला आप रख सकते हैं। तो मोनोक्रोम बहुत ही अच्छा है, जो फिर फेस एंड सब्जेक्ट को कलर करके बाकी सब बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट बनाएगा, विच इज़ रियली ऑसम। सारे चीज़ इनबिल्ट है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं, तो विच इज़ ऑसम बाय वीवो V11 प्रो। तो वेरी थम्स अप टू वीवो। तो ये वाला देखिए, ऐसे इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हैं। तो जस्ट रिलेटेड टू पोर्ट्रेट इतने सारे सेटिंग्स है कि आप बिल्कुल इसको यूज़ करके अच्छे अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप नेक्स्ट। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।